तो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं बॉलीवुड के एक ऐसे कॉमेडी एक्टर की कहानी जिन्होंने कॉमेडी सीन करके लोगों को इतना हंसाया कि लोग आज तक उनके जिस भी मूवी में उन्होंने किरदार निभाया उसको भूल नहीं पाए हैं। और उनका नाम है जाने माने एक्टर असरानी। असरानी जी बहुत ही बड़े कॉमेडी एक्टर रहे हैं और आज तक वो बॉलीवुड में एक्टिव हैं। और आज हम बात करेंगे उनके करियर की कि उनके करियर की वो पांच कौन सी कॉमिक रोल वाली मूवी हैं जिनमें उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि लोग आज तक उनकी ये मूवी देखना पसंद करते हैं। तो चलिए हमारे हिसाब से हम उनकी पहली मूवी को रखते हैं, वो है शोले, जिसे डायरेक्ट करा था रमेश सिप्पी ने। और इसमें जो इनके को स्टार थे सुपर स्टार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, अमजद खान, काफ़ी लंबी स्टार कास्ट थी, हेमा मालिनी, जया बच्चन, काफ़ी लंबी स्टार कास्ट थी। और इसमें इन्होंने जो कॉमिक रोल अदा किया, हालांकि इनका छोटा रोल था, उस रोल में ये इतने जबरदस्त भाई कि लोगों ने इनके काम की चारों तरफ तारीफ करी और ये मूवी हिंदी सिनेमा की एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हो पाई। और इस तरह से इनके रोल को काफ़ी पसंद किया गया और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के रूप में इस मूवी को देखा जाता है। अब हम इनकी करियर की एक सेकेंड मूवी को रखें तो वो है मालामाल वीकली, जिसको डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन ने। और इसमें जो मेन लीड रोल में थे प्रेस रावल, ओमपुरी, रितेश देशमुख, राजपाल यादव, सुधा चंद्रन। और इसमें भी इन्होंने बहुत ही शानदार अभिनय किया, कॉमिक रोल से सबको हंसाया और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो पाई। अब हम बात करेंगे इनके करियर की एक थर्ड मूवी को रखेंगे, उसका नाम है धमाल, जिसको इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया था। और इसमें जो मेन लीड रोल में थे संजय दत्त, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, मनोज पावा, प्रेम चोपड़ा, काफ़ी लंबी स्टार कास्ट थी। और इसमें भी लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया इनका कॉमिक रोल और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो पाई। अब हम बात करेंगे इनके करियर की चौथी मूवी की, उसका नाम है वेलकम, जिसमें इनका छोटा सा रोल था। उसमें फिरोज खान, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, काफ़ी लंबी स्टार कास्ट थी। और इसमें इनका रोल काफ़ी पसंद आया लोगों को और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो पाई। बात करते हैं इनके करियर की पांचवी मूवी को रखें जो हम, तो वो है खट्टा मीठा, जिसको डायरेक्ट करा प्रियदर्शन ने। और इस मूवी में इनके जो को स्टार रहे हैं वो हैं अक्षय कुमार, राजपाल यादव, त्रिशा, कुलभूषण खरबंदा और काफ़ी लंबी स्टार कास्ट थी इसमें भी। और इसमें भी इनका जो निभाया हुआ कॉमिक किरदार है लोगों को काफ़ी पसंद आया और लोगों ने इनके काम की चारों तरफ तारीफ करी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हो पाई। इस तरह से आज हमने असरानी जी के बारे में पांच उनकी मूवियों का आज एनालाइज किया। तो दोस्तों, आपको इनके बारे में जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की रोचक वीडियो देखने के लिए बॉलीवुड से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।